गाते बलमुआ हो बड़ी मर मरलस केहू ना आइल बचावे हो। राते सजनवा हो बड़ी मर मरलस केहू ना आइल छोड़ावे हो। अरे छोकरा, ये कौन सा तरीका है स्कूल आई के, और इतने इतना खुश काहे बड़े? सर जी, खुश होए के ना दूगो कारण बा। पहला, हम स्कूल आवत रही नू तो अंटा के मैच चलत रहला, तो ओई में 100 रुपया जितनी है। और दूसरा, ठंडा फेरू बढ़ गेल बा ए खातिर। अच्छा, तुम जुआ भी खेलता है, इसी कारण तुम लेट भी होता है। रुको रुको, मैं अभी तुम्हें मुर्गा बनाता हूँ। सर, मुझे मुर्गा बहुत अच्छा लगता है, मैं कल मुर्गा खाया था। गोलुआ को मुर्गा बनाइएगा ना तो हमको दे दीजिएगा, हम खा लूंगा। ए गोलुआ, तुम जुआ क्यों खेलता है रे? सर, पैसा कमाना गलत है क्या? सर, पैसा कमाना गलत नहीं है, पर सही तरीके से। ये नहीं कि जुआ खेले और चोरी करे, नालायक कहीं का। छोड़ इन सब बातों को, पहले बोल तू, पूरा क्लास में झाड़ू मारेगा या घुटना के बल चलकर घर जाएगा? सर छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज, आज के बाद मैं जुआ नहीं खेलूंगा, बल्कि सब्जी बेचकर पैसा कमाऊंगा सही तरीके से। चल चुप नालायक, पढ़ाई लिखाई तो होता नहीं है, सब्जी बेचकर पैसा कमाएगा। सर, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो सब्जी ही ना बेचेगा। चुप रहो तुम बेसी मत बोलो। ए लड़का, तुम बोल झाड़ू मारेगा कि घर जाएगा? अगर घरे घुटना पर बैठ के जाए तो हमारे इतना महंगा कपड़ा गंदा हो जाये, और ये अगर झाड़ू मारे तो हाथे ना गंदा हुई। इस सर हमारे इज्जत लेके रही है हमारा गर्लफ्रेंड के सामने। क्या सोच रहा है, जल्दी बोलो। सर झाड़ू मारेंगे। चुप रहो सब, तो तुम झाड़ू मारोगे? स्कूल से छुट्टी होगा तो झाड़ू मारना पूरा क्लास में। जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ, सभी कोई बोर्ड पे ध्यान दो। साला सोच ले रही है कि छुट्टी हुई तो रिंकिया के प्रपोज करें, इस सरवा कहां फंसा देला। क्या सोच रहे हो, जाके बैठो, आज हम मैथ पढ़ाएंगे। नमस्ते सर, कुछ बताने वाले थे हमको। हाँ रुकिए, बताता हूँ। गेम खेल के पैसे जीतने की खुशी कुछ और ही है। मैं बात कर रहा हूँ प्लेयर स्पोर्ट ऐप का, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप है। यहाँ रोज 50 लाख रुपए की विनिंग है। यहाँ आपको 15+ गेम मिलेगा, जैसे फ्रूट स्लैश, स्नैक्स एंड लीडर्स, स्लीप फ्लाइट, मी हाउसेस, चीज एंड मैन एक्सेट्रा। और आप अपने बचपन का फेवरेट गेम लूडो खेलो और जीतो लाखों रुपए। बस आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन करो लूडो गेम। यहाँ आप लाइव चैट कर सकती हैं और प्राइवेट लूडो कोर्ट पे दोस्तों के साथ खेल सकती हैं। आप सोच रहे हो कि प्लेयर स्पोर्ट ही क्यों? क्योंकि प्लेयर स्पोर्ट 100% सिक्योर मेड इन इंडिया है। 7 million+ यूजर हैं। इजी विड्रॉल, मेरा रेफरल कोड PLAYS200 यूज करो और पाओ 200 रुपए का साइन अप बोनस। प्लेयर स्पोर्ट पे उनके रेफरल एंड अर्निंग प्रोग्राम से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो एंड उनके गेम्स खेलने पे आपकी 2% विनिंग्स। अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड विन करो, वरना बोलोगे बताया ही नहीं। रिंकिया, आजकल तोर और हमरा बारे में स्कूल में चर्चा चला था हमनी के दोस्ती के। हाँ बोलो तारी रहते, कुत्ता कहीं के। हमार मतलब हमनी के पढ़ाई के, हमनी के पढ़े में बढ़िया बानी सन्नू। तोर और हमरा पढ़ाई के चर्चा, ते कहुआ पढ़ाई में 0 बढ़े और हम कहुआ क्लास के नंबर 1 टॉपर लड़की हई। हमार मतलब बा कि हमनी के जोड़ी के कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया बा। सही बोल लेते, हम कहा पढ़ाई में आसमान छुए नहीं और ते कहुआ जमीन। का बात बारे, आजकल पढ़ाई में इतना मेहनत करत रे, कबू हमरो साथे अकेले में बात कर लिए कर, एक दूसरा के समझे में आसानी हुई। हमके बड़ा होके कलेक्टर बने के बा, तोरे जैसन लफंगा आवारा ना, और ये अगर हमसे मिले के बाद हमरा जैसन बन के दिखाओ। वैसे भी हम तोरा के बहुत बढ़िया से जानी नी, ते के तेरी बेईमानी और चोरी में आगे रहे ले। रिंकिया, मेरे हर एक बात को तुम मजाक में ले रही हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको हमसे मिलने के लिए लाइन लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, कहीं बात उल्टा ना पड़ जाए, अब चुपचाप पढ़ाई करो, दिमाग मत खाओ मेरा। तुम लोगों से मैं एक सरल प्रश्न पूछूंगा, तुम में से उसका जवाब गोलुआ देगा। हाँ सर मैं। हाँ तुम चलो बोलो, प्लस और माइनस में गुना करने से क्या आएगा? सर प्लस मतलब, सर प्लस मतलब अच्छाई और माइनस मतलब बुराई, और गुना का मतलब हुआ लड़ाई। तो अच्छाई और बुराई में लड़ाई होगा तो हमेशा अच्छाई की जीत होगी, और अच्छाई मतलब होता है प्लस, तो प्लस आएगा। वाह, तालियां बजाओ, तुम तो टॉप करेगा एग्जाम में। सर अब मेरी तारीफ करना बंद भी कीजिए। चुप, दिमाग का ढक्कन गलत उत्तर देता है और बोल रहा है तारीफ करना बंद कीजिए। बेटी रिंकिया, इसका आंसर क्या होगा? सर बहुत आसान है, माइनस होगा। कुछ सीखो, टॉपर के बगल में बैठते और कुछ आता नहीं है, बस बैठकर इधर उधर की बातें करना ज्यादा पसंद है, पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान ही नहीं है, नालायक कहीं का। मे आई कम इन सर? आइए ना मैम। हेलो बच्चों, आजकल मलेरिया बहुत हो रहा है, इसलिए अपने अगल बगल को साफ सुथरा रखें और डेली नहा कराया करें, ठंडी हो या गर्मी।
मैम ठंडी से याद आया, सर पता है मेरे क्लास में खुश होकर आने का दूसरा वजह क्या है? क्या है? सर आपके लिए है। हमारी इज्जत नहीं उतर लो सबके सामने। रुको आज मैम के सामने तहार इज्जत उतारा था नहीं। लगा था कि हमरा बुराइया करे के बारे में सोचा था, मैम के सामने आज ही हमारी इज्जत उतारी। पता है मैम, कल मैम बाजार में सर की मम्मी से मिला था, पूछा कि सर फ्रेश होकर स्कूल चले गए। तो क्या बोली मेरी मम्मी ने? तो इनकी मम्मी बोली कि छी वो कहाँ नहाता है, वो कभी भी नहीं नहाता, सिर्फ परफ्यूम लगा के स्कूल जाता है। क्या सर, क्या सुन रहे हैं आप? इतने गंदे हैं, छी, इसीलिए आप डेली परफ्यूम लगा के आते हैं? अरे 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 नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब आपकी मम्मी भी झूठ बोलती है? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सर, ये सब बच्चे छोटे छोटे होकर रेगुलर नहाते हैं और आप मुंह भी नहीं धोते हैं, आप कैसे इन लोगों को शिक्षा देते हैं? अरे अरे नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। छी, मैं आज के बाद से आपसे कभी बात नहीं करूंगी। बुलुआ रुको, मैं तुम्हें अब बताता हूँ। सर सच बोलना भी गलत है क्या सर? रुक बताओ तनी कि सच बोलल गलत बा कि सही बा, हमारी इज्जत खराब कर देले थे मैम के सामने।